ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की जो वीडियो है उसका इंतज़ार हमारे सभी दर्शकों को काफ़ी समय से था और काफ़ी समय से बहुत से व्यक्ति हमसे WhatsApp पर संदेश भेजकर या वीडियो में कमेंट करके यह अवश्य कह रहे थे कि काला जादू करने वाले का नाम या उसका चेहरा कैसे पता करें, कि किस व्यक्ति ने हमारे ऊपर काला जादू किया है, किस व्यक्ति की वजह से यह हमारी स्थिति हो गई है और उसका चेहरा क्या है, उसका नाम क्या है, वह कैसा दिखता है, कैसे उसकी पहचान की जाए। क्योंकि जो भी व्यक्ति नज़दीकी किसी भी तांत्रिक के पास जाता था या किसी ऐसे कर्म करने वाले के पास जाता था तो बहुत से व्यक्ति इनका फ़ायदा उठाकर इनको गलत राह पर चला देते थे। तो आज उन सभी व्यक्तियों के लिए हमने इस वीडियो का निर्माण करने का निर्णय लिया है। अगर आपको यह निर्णय अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उसी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जो कोई नहीं बताता वह हम आपको अवश्य बताएं, ताकि आप अपने जीवन की समस्या खुद हल कर सकें उसका। एक बार सभी व्यक्ति कमेंट में अवश्य लिखें जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। तो मित्रों, ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको 7 दिनों की ज़रूरत पड़ने वाली है। 7 दिनों तक आपने मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना, इस बात का खास तौर पर ध्यान कर लें। अगर आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति का नाम पता लगे, उस व्यक्ति की सूरत आपको दिखे, तो मांस मदिरा का सेवन 7 दिनों तक भूल जाए। 7 दिनों तक एकदम ब्रह्मचारिण्य का पालन आपने करना है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपने इस उपाय को रविवार के दिन शुरू करना है। रविवार यानी संडे, संडे से आप इस उपाय को शुरू करेंगे। इसके लिए आपको 108 नींबू की ज़रूरत पड़ेगी। 108 आपने नींबू लेने हैं और 1 तांबे का लोटा लेना है। सिर्फ इतना सा कार्य आपने करना है। अब जानते हैं इस सामग्री को इस्तेमाल में आपने कैसे लाना है और किस प्रकार से उसका नाम या उसकी फ़ोटो आपको दिखेगी। कोई मंत्र जाप नहीं है मित्रों, ना ही कोई आपने यंत्र बनाना है, कोई मंत्र जाप नहीं है, ना ही कुछ ऐसा टोटका करना है जिससे आपको रोक टोक लगे, जिससे आपको कठिनाई आए। बहुत सरल टोटका मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ और हमारा यह दावा है कि आपको उस व्यक्ति का नाम या उस व्यक्ति की फ़ोटो अवश्य पता लगेगी। उसके बाद जो आपने उसके लिए करना है वह आपकी इच्छा है। चाहे तो उसको उलटवार कर सकते हैं, चाहे तो आपको जिस प्रकार से उसने बर्बाद किया है उसको भी कर सकते हैं, और चाहे तो उसको माफ़ कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है मित्रों। अब जानते हैं आपने इस सामग्री का करना क्या है। रविवार के दिन मित्रों दोपहर 12 बजे आपने इस उपाय को शुरू करना है। दोपहर 12 से 1 के बीच में आपने 108 नींबू की एक माला तैयार करनी है। रविवार को 108 नींबू की दोपहर 12 से 1 के बीच में एक माला तैयार कर देनी है। एक सुई धागे की सहायता से, धागा थोड़ा मोटा रखिएगा, जो घर में आप कपड़े सिलते हैं वह धागा इसमें नहीं चलेगा, थोड़ा मोटा धागा इसमें इस्तेमाल में लाइएगा। धागा आपका काले रंग का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर काला प्योर नहीं मिल रहा तो गहरे रंग का ले सकते हैं, जैसे भूरे गहरे रंग का धागा आता है मोटा, आप वो ले सकते हैं, नहीं तो काला धागा इसमें ले सकते हैं। और थोड़ी बड़ी सुई रखिएगा, छोटी सुई से आपको दिक्कत होगी माला बनाने में, थोड़ी बड़ी सुई, काला धागा। इस प्रकार से 12 से 1 के बीच में दक्षिण मुख होकर आपने अपने घर में ही इस माला का निर्माण करना है। इस माला का निर्माण करने के पश्चात आपने प्रत्येक नींबू पर तिलक करना है। जिस प्रकार से घर में रोली होती है, सिंदूर होता है, उसी प्रकार से रोली सिंदूर की सहायता से प्रत्येक नींबू पर, हर एक नींबू पर तिलक आपने करना है। तिलक कर देने के बाद उसी समय आपने
नज़दीकी माँ काली के मंदिर में चले जाना है और वहाँ जाने के बाद आपने खुद अपने हाथों से माँ काली की मूर्ति पर उस माला को चढ़ाना है। कोई भी पंडित जी, कोई भी गुरु जी, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो उस मूर्ति की रखवाली करता है, देखरेख करता है, वह आपको मना नहीं करेगा। आप ये ना सोचिए कि पंडित जी मना कर देंगे या अन्य लोग आपको मना कर देंगे, कोई भी व्यक्ति आपको उस नींबू की माला चढ़ाने से मना नहीं करेगा। आपने उस माला को चढ़ा के माँ काली से सच्चे मन से प्रार्थना करनी है कि जो आपके ऊपर यह काला जादू हुआ है या फिर आप जिस प्रकार से बर्बाद हुए हैं, वह कारण या उस व्यक्ति का नाम या उस व्यक्ति का चेहरा आपको अवश्य दर्शाएं। और उसके बाद यह प्रार्थना कर लेने के बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना, सीधा अपने घर आना है, हाथ मुँह धो के अन्य कार्य में लगना है। और अब जानते हैं उस लोटे का आपने क्या करना है। रविवार से आपने इस उपाय को शुरू किया है, रविवार से लेकर शनिवार तक आपका यह उपाय चलेगा। रविवार को रात को सोते समय उस लोटे में आपने जल भर देना है। जल भरने के बाद उस लोटे में अपनी तस्वीर देखते हुए, यानी अपनी शक्ल उस लोटे में देखते हुए, अपने सिरहाने रखकर सो जानी है। और जब भी अपने सिरहाने रखेंगे तो ध्यान रखें उल्टे हाथ की साइड में आपने रखना है, सीधे हाथ की साइड में नहीं रखना, उल्टे हाथ की साइड में, यानी उल्टे कंधे की साइड में आपने उस लोटे को रखकर सो जाना है। और सुबह उठते ही पहला कार्य आपका यही होगा, उस लोटे को ले जाकर बिना उसमें देखे, उसमें देखना नहीं आपने, बिना उसको लोटे को देखे, उस लोटे को ले जाकर आपने नज़दीकी किसी भी पीपल वृक्ष पर चढ़ा आना है और पीछे मुड़कर वहाँ पर भी नहीं देखना। यह प्रक्रिया, जो लोटा चढ़ाने की प्रक्रिया है, यह शनिवार तक आपकी इसी प्रकार से चलेगी। यानी रविवार रात को भी आपने यह कार्य किया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार, यह कार्य आपने 7 दिन लगातार अपना करना है। इस कार्य के अंदर अंदर ही आप खुद देखेंगे कि किस प्रकार से उसका नाम या उसका चेहरा आपके स्वप्न में आएगा। चाहे वह दूसरे दिन आ जाए, चाहे वह तीसरे दिन आ जाए, चाहे वह 7वें दिन आए, आपने इस प्रक्रिया को 7 दिन लगातार करना है। आपने ये नहीं देखना कि मंगलवार आपको उसका चेहरा दिख गया है तो आप आगे इस उपाय को करें या ना करें, आपने यह नहीं देखना मित्रों। यह जब आपका चेहरा दिख जाए 7 दिनों के अंदर, आपने 7 दिन तक इस उपाय को पूरा करके अगली बार जब शनिवार को आप यह उपाय पूरा कर लेंगे सुबह के समय, तब आपने शाम के समय 16 श्रृंगार का सामान माँ काली को चढ़ा के आना है। साथ में आप प्रसाद के तौर पे जो भी उस मंदिर में प्रसाद बढ़ता है वो बांट सकते हैं, नहीं तो काले गुलाब जामुन लेकर माँ काली को अवश्य चढ़ा के आएँ। इस बात का ध्यान रखें, प्रसाद चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। यह एक कर्ज समझ लीजिए कि माँ काली से आपने एक कर्ज लिया है, उस व्यक्ति का नाम या उस व्यक्ति का चेहरा जो आपने पता करने का निर्णय लिया है, वह माँ काली का कर्ज आपके सर पे है। शनिवार को सुबह जब आप लोटा चढ़ाएंगे तो शाम के समय 16 श्रृंगार और प्रसाद स्वरूप कुछ भी भेंट अवश्य चढ़ा के आए वहाँ। मित्रों, इससे आपका यह पता लग जाएगा कि आपके घर का ही सदस्य है, बाहर का सदस्य है, आपका मित्र प्यारा है, कौन है, क्या नाम है, क्या चेहरा है, यह सभी आपको आपके स्वप्न में अवश्य दिख जाएगा। और रात्रि के समय प्रसाद चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार फिर से सुन लीजिए, रविवार को आपने यह उपाय करना है, दोपहर 12 से 1 के बीच में 108 नींबू की माला तैयार करके आपने माँ काली को चढ़ा के आनी है, उस पर तिलक अवश्य लगा देना है प्रत्येक नींबू पर। माला चढ़ाने के बाद आपने माँ काली से प्रार्थना करके आना है कि जिसने भी आपका बुरा किया है उसका चेहरा या उसका नाम आपको अवश्य दिखे, और रात्रि में एक लोटे में जल भर के अपना चेहरा देखकर अपने उल्टे कंधे की साइड में रखना है और लगातार 7 दिन यह प्रक्रिया आपने करनी है। सुबह उठते ही इस लोटे को ले जाकर नज़दीकी किसी भी पीपल के वृक्ष पर छोड़ आना है, पीछे मुड़कर आपने नहीं देखना, वापस लौट आना है। और जब भी आपको उसका चेहरा दिख जाए आपने इस उपाय को नहीं छोड़ना, आपने 7 दिन लगातार इसको करना है। और 7वें दिन यानी शनिवार के दिन सुबह इस उपाय को कर लेने के बाद शाम को 16 श्रृंगार और माँ का प्रसाद अवश्य
चढ़ा कर आना है। यह छोटा सा कार्य आपने करना है, आप खुद जान जाएंगे कि किसने आपके ऊपर बुरा किया है, किसने आपका बुरा किया है। उसके बाद आपका निर्णय है, उसके साथ वैसा ही करना है या उसको माफ़ करना है। वो हम आपको नहीं कहेंगे कि आप ये करो या वो करो, आपने वह निर्णय स्वयं लेना है। और अगर हमारे द्वारा कोई सलाह मशवरा या परामर्श करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कर सकते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूँ सभी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ सवाल है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।